वेरी गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम रामेश्वरम। ये है सिक्स एपिसोड ऑफ ज्योतिर्लिंग राइड 10,000 किलोमीटर 12 ज्योतिर्लिंग। आज हम अभी रामेश्वरम में, तो रामेश्वरम में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। मॉर्निंग के 7 बज गए। आई होप इसके पहले का आपने सारे एपिसोड देखे हो। कल मैं रामेश्वरम आया था, मेरी बाइक ब्रेक डाउन हुई थी त्रिची में, वहाँ के वहाँ से रामेश्वरम रात को हम 1 बजे 12-1 बजे कुछ पहुँचे, फिर सोए। अभी मॉर्निंग में उठे, जा रहे दर्शन करने रामेश्वरम मंदिर में, वहाँ से फिर धनुषकोटी जाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे हम वेल्लोर के लिए। ये हमारा 4th ज्योतिर्लिंग है। पहले हमने त्र्यंबकेश्वर किया, देन कृष्णेश्वर, देन भीमाशंकर। अभी ये हमारा 4th ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम, और इसके साथ ही एक धाम भी है। तो चलते हैं दर्शन करने के लिए यहाँ से। फिर फर्स्ट चलकर कुछ बोलना चाहोगे? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बाइक हमने यहाँ पे पार्किंग में पार्क किया है, नीचे रेती है, बाइक निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी। भाई बाइक रेती में थोड़ी स्किट होगी। सुबह सुबह यार मेहनत करवाओगे। मंदिर सामने ही है, यहाँ से जैसे निकलेंगे सामने ही हम पीछे वाले गेट से जाएंगे, वहाँ पार्क करेंगे, थोड़ा फोटोज़ वगैरह निकालेंगे, दर्शन करेंगे, फिर निकलेंगे। तो भाई मंदिर आ गई सामने, हर हर महादेव। लास्ट टाइम मैं साउथ राइड में रामेश्वरम आया था तो मंदिर यहाँ पे लॉकडाउन था, तो मंदिर बंद था, दर्शन मिला नहीं था मुझे इतना दूर आके। आज भी आने में तकलीफ हुई, वैसे बाइक वाइक ख़राब हो गई। राइड मार रहा है? हाँ राइड मार रहा है। तो बढ़िया से दर्शन मिल गया, 40 मिनट लगा हमको दर्शन मिलने के लिए। हम जैसे निकले वैसे और क्राउड हो गया था, मतलब अगर हम आधा घंटा लेट होते तो हमको 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता दर्शन करने के लिए। ये अंदर मंदिर है, स्ट्रीट अंदर काफ़ी zigzag लाइन है। और अब हम निकल रहे हैं धनुषकोडी के लिए, यहाँ से बाइक हमारी वहाँ पे लगाया हूँ। लेट्स गो टू धनुषकोडी। तो ये पूरा मंदिर का ही सराउंडिंग है पूरा। ये साइड सी के वेव्स कितने सारे आ रहे हैं, बहुत वेव्स हैं, और ये एकदम शांत है ये साइड। मज़ा आ गया, फुल वसूल है पैसा, एंड ऑफ द इंडिया। अब यहाँ से 17 या 20 किलोमीटर की दूरी पे श्रीलंका। फोटो सेशन हो गए हमारे, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से धनुषकोडी से, होटल जा रहे हैं मैं और पंकज भाई। बहुत फोटो सेशन किया, आधा घंटा फोटो ही ले रहे थे, तो अब निकलते हैं होटल के लिए। तो आ गए हम लोग होटल धनुषकोडी से, फटाफट सामान पैक करेंगे हम। आने के पहले नीचे हमने खाना खा भी लिया, इडली वड़ा वगैरह नाश्ता कर लिया, कॉफ़ी पी लिया, तो अब फुल एकदम हम लोग रेडी हैं। अब सामान पैक करके बाइक पे ले जाके ट्राई करेंगे और निकलेंगे वेल्लोर। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं बाइक पे देता हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। राइडिंग गियर जैकेट पहन रहा हूँ। चले पैकिंग करते करते हालत हो गई। अरे यार मेरा चाबी किधर गया बाइक का? अच्छा इधर है। डर गया मैं, जल रहा है एकदम, इसको टच भी नहीं कर सकते, इतना गर्म है। हर हर महादेव, बम बम भोले, गणपति बप्पा मोरिया। राइड टू वेल्लोर टूवर्ड्स मल्लिकार्जुन। तो यहाँ से जो वेल्लोर का डिस्टेंस है वो है 500 किलोमीटर्स, और गूगल मैप पे जो टाइम दिखा रहा है वो है 9 आवर्स। तो हम लोग फिर भी एक 10-11 आवर्स पकड़ के चल रहे हैं ब्रेक वेक के साथ, और इतना कम टाइम दिखा रहा है, मतलब 500 किलोमीटर्स के लिए मतलब रोड एकदम चकाचक रहने वाला है, तो राइड करने में बहुत मज़ा आएगा आज। तो अभी हम लोग यहाँ से पनबन ब्रिज, यहाँ से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर है, तो वहाँ रुक के सेल्फी वेल्फी लेके फ़ोटो, एक बॉटल पानी पियेंगे, एक बॉटल पानी ख़रीदना है, पानी पी के फिर पेट्रोल भराएंगे और फिर नॉन स्टॉप 200 किलोमीटर एटलीस्ट जाएंगे। मॉर्निंग के हो गए 11। साउथ राइड किया था अभी कुछ महीने पहले, तो मैं रामेश्वरम आया था और पनबन ब्रिज का बढ़िया सा शूट करके मैंने व्लॉग भी डाला है रामेश्वरम का, अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं। तो क्या बवाल चल रहा है भाई? अच्छा ये बस वाले सब उतर के फ़ोटोबाजी कर रहे हैं, इधर पे टूरिस्ट प्लेस है। तो बहुत सारे फ़ोटोज़ और बहुत सारे वीडियोज़ लेने के बाद फाइनली
पनबन को अलविदा कहते हुए हम निकल पड़े हैं वेल्लोर की तरफ। मस्त रोड है एकदम। अब यहाँ लेना है टर्न। दिस इज नेशनल हाईवे 32। तो अब तो यहाँ पे भराऊंगा पेट्रोल। फुल टैंक। यहाँ पे 935 रुपीस का पेट्रोल भरा दिया। अभी 1220 हो गए और यहाँ से 435 किलोमीटर्स और जाना है। मतलब जब से स्टार्ट किया है 65 किलोमीटर्स आया हूँ। यहाँ पे गर्मी तो पड़ रही है, ये तो मैं बोलूँगा। और इसका एविडेंस देखो, यहाँ पे बारिश नहीं है, गर्मी की वजह से सब छतरियाँ बोल रहा हूँ, लड़कियाँ छतरी लेके जा रही हैं। ओहो, यहाँ से टर्न लेना है। ये तो गूगल आंटी ने बताया नहीं। अच्छा, मैंने मैप देख लिया। पानी पीना है और ख़रीदना है बॉटल, लेकिन कोई ऐसे दुकान नज़र नहीं आ रही काफ़ी कुछ किलोमीटर से। अब यहाँ पर ख़रीदेंगे पानी। ओ हो 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 भाई साहब, व्हाट इज दिस फक शिट यार। तो प्रॉब्लम हो जाता, अभी तक तो सामान गिर रहा था। इसको मैं अच्छे से टाई कर दूं पहले। तो बच्चे लोग काफी हाथ दिखा रहे हैं। बाय। बच्चे लोग कब से विली विली बोल रहे हैं। बाय बाय बच्चे लोग। लोचे हो जाते हैं, सामान एक साइड लटक गया था, बच गया। अच्छा वो मैं रुक गया और देख लिया, थोड़ा रुका। इतना पसीना हो गया ना अंदर, अभी हवा लग रहा है तो एकदम ठंडी लग रही है। टेम्परेचर है, चलते हुए पता नहीं चलता, रुक जाओ तो पता चलता है। पंकज भाई अभी पीछे ही है, वो रुके थे शायद पेट्रोल भराने के लिए, नींबू पानी पी रहे थे। फिर वो मैं तो अब निकल रहा हूँ धीरे धीरे क्या 100-110 की स्पीड में, वो क्या धीरे। पंकज भाई कॉन्स्टेंट 80-90 चलते हैं। चलो आगे मुलाकात होगी पंकज भाई से, तब तक अपन आगे निकलते हैं। अब यहाँ रुक भी नहीं सकते, एकदम गर्म हो रहा है। फिलहाल टाइम हो गया एक, दोपहर के कड़क धूप वाली 1 बज गए हैं। चलो यहाँ रुकता हूँ, पंकज भाई का वेट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पंकज भाई आ गए, यहाँ पे मैं 10 मिनट रुका। अब यहाँ से हम और 1 घंटा चलाएंगे, फिर थोड़ा ब्रेक लेके रुकेंगे 15-20 मिनट, फिर आगे जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे कोई आजू बाजू तो गाँव बहुत नहीं दिख रहा है, बीच में रोड, ऊपर कड़क धूप, आसमान एकदम क्लियर, मज़ा आ रहा है। विंड ब्लास्ट बहुत है, हवा बहुत लग रहा है। मैंने ऐसा कुछ कवर लगाया नहीं है, पता नहीं मुझे नहीं जमता है वो। ये वही रोड है जिसमें लास्ट एपिसोड में मैं त्रिची से रामेश्वरम गया था रात को, एग्जैक्ट वही रोड है। अभी त्रिची जा रहा हूँ, त्रिची से फिर ऊपर साइड राइट में वेल्लोर। पूरा जो 250-230 किलोमीटर्स का जो राइड होने वाला, पूरा कल वाली सेम राइड, जिस रोड से आया सेम रोड से जाना है। अभी यहाँ पे थोड़ा ब्रेक, ऑलमोस्ट 2 बज के गए, तो हमारा प्लान था ही रुकने का 2 बजे के आसपास, तो 10-15 मिनट देन फिर आगे बढ़ेंगे। तो पंकज भाई इधर बैठे हैं और मैं निकल रहा हूँ। प्रॉब्लम अब ये हो गया है कि रामेश्वरम से जब से निकला हूँ वही कल वाला इशू आ रहा है मिस फायरिंग का। इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर भी चेंज करवाया, बैटरी चेंज, बट फिर वापस इशू आ रहा है। तो मैंने सर्विस सेंटर कॉल किया था अभी वापस वही त्रिची वाला, क्योंकि मैं त्रिची से ही होके जाऊंगा। अभी यहाँ से 60 किलोमीटर है त्रिची, वाया त्रिची ही जाना है मेरे को आगे वेल्लोर। तो बात किया मैंने, तो बोले ठीक है आप आ जाओ, देख लेंगे वो लोग क्या इशू है एग्जैक्टली, अब जाके पता चलेगा। हे भगवान, ठीक करा दो इसको, बहुत आगे चलना है। पंकज भाई को फ़ोन पे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना था, तो मैं बोला आप पीछे से आओ तब तक मैं चलता हूँ, क्योंकि बीच बीच में रुक भी सकता है तो मेरे को टाइम जाएगा। बस जितना भाई भाग रही है भगा रहा हूँ। जब से वहाँ से निकला पंकज भाई को छोड़ के 25 किलोमीटर आ गया, दो से तीन बार बाइक वापस से मिसफायर हुई। मैं क्या कर रहा हूँ, चलते में ही स्विच बंद कर रहा हूँ, चाबी घुमा दे रहा हूँ और जैसे 50 मीटर आगे जाके वापस चालू कर ले रहा हूँ, वापस से पिकअप कर ले रहा है। फिर कुछ किलोमीटर जाके वापस वही रहा तो बंद कर दे रहा हूँ। टैंक वैंक का प्रॉब्लम ही नहीं है, टैंक ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है। टैंक का प्रॉब्लम होता तो टैंक ओपन करके ही सॉल्व होता, बट ये कुछ अलग ही लोचा लग रहा है। गोल्डन कलर की एम्बेसडर मस्त दिख रही है, कुछ यूनिक। तो यहाँ से सर्विस सेंटर 15 किलोमीटर और दूर है, क्या क्या एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है।
वापस से बाइक तकलीफ़ दे रही है, काम करता हूँ इसको बंद कर देता हूँ और बस थोड़ा चालू कर देता हूँ वापस से। ये देखो चालू किया, ये स्विच चालू किया, इसके बाद स्टार्ट। अब चलो बाइक पे जो वाइट कलर का था वो था फ्यूल पंप और पेट्रोल की टंकी साइड में निकाल के रखा था, सारा पेट्रोल निकाल लिया, पूरी टंकी वो लोग क्लीन कर रहे हैं, बोले शायद से वो ब्लॉक हो रहा है फ्यूल का फ्लो, इसलिए उसको पूरा क्लीन कर रहे हैं। उसके बाद फ्यूल पंप भी क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद ये लोग कन्फर्म करेंगे। तब तक हमने अपना सामान वामान वहीं सर्विस सेंटर में रख दिया, पंकज भाई ने तो बाइक पर छोड़ दिया और हम लोग जा रहे हैं अभी लंच करने के लिए। तो हाफ एन आवर 45 मिनट्स के बाद हम लोग तब तक आएंगे, तब तक ये लोग भी कन्फर्म कर देंगे क्या इशू है। अगर वो ब्लॉकेज की वजह से होता रहेगा तो वो क्लीन कर देंगे, इशू सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएंगे हम। सो अभी 6:10 हो गए और अभी जस्ट निकला मैं सर्विस सेंटर से ही बाइक लेके, तो यहाँ पे एक 3 घंटा पकड़ लो, अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटा गया। और सोल्यूशन की अगर बात करूँ तो उन्होंने टैंक और फिल्टर दोनों क्लीन कर दिया है, बोले अगर अब इशू आएगा तो थ्रॉटल बॉडी अंदर का है जो टैंक के नीचे रहता है झाड़ा सा, वो पूरा चेंज करना पड़ेगा, वो पार्ट वो इशू उसके, क्योंकि फ्यूल पंप में कोई प्रॉब्लम नहीं, इंजेक्टर चेंज कर दिया, टैंक क्लीन कर दिया, अगर अब इशू आएगा तो वही इशू रहेगा। बोले वो 14-15 हज़ार का आएगा और वो पार्ट जो है सिर्फ बेंगलोर में अवेलेबल है और कहीं अवेलेबल है नहीं फ़िलहाल, साउथ में इतना तो बताया उसने, चेन्नई इवन चेन्नई में भी अवेलेबल नहीं है, बट बोला प्रॉब्लम आएगा तो फॉर द टाइमिंग मैं बेल्लोर जा रहा हूँ, तो अब देखते हैं, भगवान भरोसा है, हर हर महादेव, प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए, अगर प्रॉब्लम आया तो लग जाएंगे, फिर देखते हैं क्या करना है, एवरीथिंग इज़ अनप्लान्ड, जो होगा देखा जाएगा, आप सब भगवान भरोसे। अब चलते हैं बम बम बोले वेल्लोर, यहाँ से और 267 किलोमीटर है, 5 घंटे दिखा रहे लगेंगे, तो 11:30-11:30 तक मोस्ट प्रोबेबली पहुँच जाने चाहिए, 12 भी बच सकते हैं, रेस्ट लिया तो 12 पकड़ लो, 12 बज जाएंगे। तो बाइक तब मिली है जब अंधेरा होने वाला है, तो आज भी नाइट में राइड करना पड़ेगा। हम रोज़ सोचते हैं कि आज जल्दी पहुंच जाएंगे, आज जल्दी होटल पहुंच के रेस्ट करेंगे, लेकिन पिछले इतने दिनों से 6 दिन हो गए, रोज़ एक दो बजे इतना लेट पहुँचते हैं होटल पर। सिर्फ कल का एक दिन था, परसों का एक दिन था जब त्रिची में ही रुकना था, बाकी सारे दिन एक से दो बजे ही पहुंच रहे होटल पे। आज सोचा था हम जब निकले थे रामेश्वरम से कि वेल्लोर हम यहाँ पे 8-9 बजे तक पहुंच जाएंगे और आराम से 7-8 घंटा नींद ले लेंगे अब आज फर्स्ट टाइम, बट देखो बाइक का इशू आ गया, आज फिर वही 11:30-12 का टाइम दिखा रहा है पहुँचने का। सो ये सब तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है हमें इतना ईजी भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अभी पेट्रोल भरा लिया और अभी राइडिंग गियर्स पहन रहा हूँ कम्प्लीटली, क्योंकि अब चलना है आगे। अभी जो सामने हाईवे दिख रहा है इसी पे 100 किलोमीटर तो एटलीस्ट इसी पे चलना है, तो अरे 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 बाइक डिसबैलेंस हो रही है, तो इसलिए रेडी हो जाऊं, फिर क्या भगा सकता हूं। लेट्स गो। त्रिची से निकल के 20 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली हो गए, अभी तक तो कोई इशू नहीं आया, शाम के हो गए 7 और अभी एग्जैक्ट यहां से 200 किलोमीटर है, गूगल मैप पे 3:56 दिखा रहा है, पहुँचने के लिए इतना टाइम तो जाएगा। तो अभी ये टोल के आगे हम लोग रुके कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के लिए, पूछता हूँ उनको कॉफ़ी है कि नहीं, चाय तो पियोगे ना, कॉफ़ी है, कॉफ़ी टी, कॉफ़ी टी है, टी हाँ वन पी लो, मेरे को पानी भी ख़रीदना था, ख़त्म हो गया, बहुत गर्म हो रहा है यार, अरे गर्म हवा लग रहा है मतलब। तो यहाँ पानी का बॉटल भी एक ले लिया, मेरा पानी का बॉटल मैं सर्विस सेंटर में भूल गया भाई, 1-2 बॉटल लेमर होना ही चाहिए अपने पास, कभी भी बिना बॉटल के राइड करना अलाउड नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तमिलनाडु का कोई डीप गांव, छोटा सा मार्केट एरिया, नो आइडिया ये क्या है। हो गया बवाल, देखो घुसा दिया ट्रक को, शिट, अरे रे रे बाइक भी है उधर, शिट। भाई बाइक वाले के ऊपर घुसा दिया है, हाँ अंदर था, अंदर बाइक वाला है, हाँ कितना डेंजरस एक्सीडेंट,
वेलोर अभी यहाँ से 79 किलोमीटर्स है, टाइम हो गया है 9:30। ये ऐसे छोटे छोटे सिटी गांव सब आ रहे मार्केट, इसमें कोई होटल नहीं है। पहले हमने सोचा था अगर वेलोर तक नहीं जा पाएंगे तो पहले ही कोई होटल लेके वहाँ पे स्टे कर लेंगे, बट भाई कोई होटल नहीं है, कोई होटल नहीं। जब से हम लोग त्रिची से निकले, बीच में त्रिची के बाहर थोड़ा एक कोई दिखा था एरिया में, अदरवाइज़ कोई होटल नहीं, सब ये सब घर एंड ऑल है, कोई होटल ही नहीं है। किसी को रुकना रहेगा बीच में तो वो गया। चलो सामने टोल दिखा, मतलब रोड थोड़ा बढ़िया होना चाहिए। अब अभी तक तो पिछला 70-80 किलोमीटर लग गए, पिछले लास्ट 25-30 किलोमीटर में तो इतने डाइवर्जन थे, वो जहाँ एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, बाप रे बाप। यहाँ पे थोड़ा पेट्रोल भराने रुके, पंकज भाई को भराना था, मैं भी भरा लेता हूँ थोड़ा, अब रुके हैं तो स्ट्रेचिंग भी करेंगे यहाँ पे 2-4 मिनट रुक के। पेट्रोल पंप पे ब्रेक लेने के बाद स्टार्ट किया है, रोड बढ़िया मिला है, तो फाइनली वेल्लोर सिटी में एंटर कर दिया है। 11:15 हो गए रात के, और बस अब कोई होटल लेके बस सो जाएंगे यार। थकान बहुत लगी है आज, पता नहीं क्यों आज, लेकिन ज़्यादा थकने हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे 1000 किलोमीटर राइड करके आया हूँ, जबकि आज हुई है ज़्यादा नहीं, एक 500 के करीब हुई है बस। तो वेल्लोर पहुँच गए और यहाँ पे एक लॉज लिया है, 800 रुपीज़ पर नाइट है, ठीक है। हमको सोना है और सुबह निकल के यहाँ से जाना है, बहुत थक गया हूँ आज, बहुत ज़्यादा थक गया, पता नहीं क्यों बहुत हेक्टिक हो गया, सब पैक वैक सब दुख रहा है, फटाफट यहाँ से सो, यहाँ पर सो जाऊँगा। और होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो ये राइट रामेश्वरम टू वेल्लोर का, कल जाएंगे मल्लिकार्जुन श्रीशैलम, कल दर्शन करेंगे, तो यहाँ से कल मॉर्निंग 8 या 9 बजे निकलेंगे, 10-11 घंटे की राइड रहेगी, तो वो वाला फिर नेक्स्ट एपिसोड रहेगा। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ और फटाफट जाता हूँ सोना, और कुछ बोलने की ताकत नहीं है। गुड नाइट, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सपोर्ट मिलेगा, थैंक यू सो मच, बाय।